गिफन गुड है क्या? एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका दाम ज़्यादा बढ़ने के साथ साथ उसका परचेजिंग भी बढ़ जाता है, तो ये डिमांड सप्लाई का बेसिक लॉ को वायलेट करता है। लेकिन ये क्यों होता है, तो चलिए एग्जांपल से समझाते हैं। मान लेते हैं गरीब हाउस होल्ड है और उसका इनकम है, मान लीजिए 4,000 से 10,000 रुपये पर मंथ है, और उसको मंथली 50 kg चावल चाहिए ही चाहिए। अब वो हाउस होल्ड दो चीज़ें खरीदता है, राइस एंड व्हीट। ओके, अब राइस और व्हीट में मान लेते हैं राइस इज कंसिडर्ड एज अ लिटिल बिट ऑफ इन्फीरियर गुड, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस्ड होता है, इसका दाम भी कम है लार्ज पोर्शन में, एंड व्हीट इज कंसिडर एज अ नॉर्मल गुड। तो गिफन होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इन्फीरियर होना ही पड़ेगा। ओके, सो ऑल द गिफन गुड्स आर मस्ट बी एन इन्फीरियर गुड, एंड द गुड मस्ट बी कंज्यूम्ड एट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द टोटल कंजम्पशन, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, देयर मस्ट बी अ लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट गिफन।